मेन टॉपिक है आप में से बहुत सारे लोग नए हैं और बहुत पुराने हैं तो आप में से काफी लोग ये चीजें जानते ही हैं जो मैं दिखा रहा हूं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नया है सुनिए तो किंग नंबर एंड क्वीन नंबर जो है ये टू वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 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 तो किंग और क्वीन आप कैसे निकालेंगे तो कई लोग इनको ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं तो कई लोग इनको मूलांक या भाग्यांक भी बोलते हैं बट दे आर ऑल आर सेम ये सब सेम ही है कैसे निकलता है वो आप देखिए आप एक बार अपनी पेन एंड पेपर ले आइए ताकि आप सबका चार्ट भी ड्रॉ कर पाओ तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब पेन एंड पेपर ले आइए Uh, एक मिनट का मैं टाइम देता हूं ताकि आप पेन एंड पेपर ला सकें हाँ जी ओके चलिए अब देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है ट्वेंटी फर्स्ट मे नाइनटीन एटी एट है ना ट्वेंटी तो वन का जब मैं टोटल करूंगा तो ये मेरा किंग नंबर आएगा ठीक है यहाँ पे टू प्लस वन किया तो थ्री आया अगर मान लीजिए मेरा डेट सिंगल में होता जैसे मेरा आठ होता सात होता या छे होता इस तरह से मेरा डेट होता तो उस केस के अंदर मेरा जो सिंगल डिजिट में जो नंबर आता वही मेरा किंग नंबर होता जैसे अगर मैं सात तारीख को पैदा हुआ हूं तो सात ही मेरा किंग नंबर होता इसी तरह से जब डीओबी में आप देखेंगे तो उनतीस ग्यारह उन्नीस जो है यहाँ पे दो और नौ को जब आप प्लस करेंगे तो ग्यारह आएगा ग्यारह को जब आप फर्दर प्लस करोगे तो आपका आएगा अः दो आएगा तो इसी हिसाब से जो है वो आपका नंबर वही नंबर होने वाला है जो आप ट्वेंटी नाइन को जब आप टोटल करेंगे तो सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो आपका किंग नंबर होगा क्वीन नंबर जब आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके नंबर में लाते हो सिंगल इज योर क्वीन नंबर बेसिकली क्या क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ समझ पा पा रहे रहे हैं हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो हां जी Clear. थीक है। ठीक है ठीक है सार्थक जी एवरी मन ओके कोई बंदा अगर नहीं समझ पा रहा तो बता दीजिए प्लीज कोई बंदा अगर नहीं समझ पा रहा तो प्लीज बता दीजिए ओके okay, उमेश जी थैंक्स लॉट आपने कंफर्म किया कोई बंदा अगर नहीं समझ पा रहा तो बता दीजिए हाँ जी ओके okay, ठीक है मैंने ग्रुप में इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी भेजी थी ताकि आपको इस चीज समझ आ जाए ओके आई विल मूव ऑन है ना अब लोशु ग्रिड और चाइल्डियन दो तरह की पद्धति है लोशु ग्रिड और चाइल्डियन तीसरी पद्धति पाइथागोरियन भी है बट आज हम लोशु ग्रिड के बारे में जानने वाले हैं अब प्राइमरीली आज हम लोशु ग्रिड की बात करने वाले हैं तो चार नौ दो तीन पांच सात आठ एक छह ये लोशु ग्रिड की बनावट है इस तरह से लोशु ग्रिड बना है इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं हाँ जी आ, इफ समन सेट की रिपीट कर दीजिए प्रभानंजन जी आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए 21 मई 1988 मैंने लिखा है ट्वेंटी फर्स्ट में 1988, तो जब आप 21 को टोटल करोगे तो थ्री आएगा और 21 के 21, 5, 9, 8, पूरे को टोटल करोगे तो थर्टी फोर आएगा जिसका टोटल सेवन होता है तो सिर्फ डेट का टोटल इज योर किंग नंबर सिंगल डिजिट में और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज योर क्वीन नंबर तो इसको मूलांक और भाग्यांक भी बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको समझ आ जाएगा हां जी ठीक है अब नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम उसकी बात करेंगे। करते हैं यहाँ पे। करते हैं। एक नंबर है मरकरी का नंबर है बुद्ध का नंबर है छह नंबर जो है शुक्र का नंबर है वीनस का नंबर है सात नंबर केतु का नंबर है आठ नंबर सैटन शनि का नंबर है नौ नंबर मंगल का नंबर है अब ये नंबर कैसे काम करते हैं अब हम इसके ऊपर बात करेंगे बेसिकली जो भी आपका और नंबर है उसके करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा दिखेंगे मान लीजिए अगर आप तीन नंबर वाले व्यक्ति हैं या दो नंबर वाले व्यक्ति हैं तो दो नंबर का स्वभाव थोड़ा सा चंचल है थोड़ा सा शांत है थोड़ा सा सेंसिटिव है जैसा मून का स्वभाव है वैसा दो नंबर वाले व्यक्तियों का स्वभाव है अपनी ही हक अपने ही हक को तो मांगने के लिए ये वो होते रहते हैं इन्हीं की पार्किंग स्पेस पे, पे कोई गाड़ी खड़ी कर जाएगा ये मांग नहीं पा रहे अपनी ही चीज किसी को दे देंगे बट उससे मांग नहीं पाएंगे होगी। अगर कुई दो है तो भी एट्टी परसेंट आपके ऊपर अप्लाई होगी तो किंग और क्वीन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है दोनों के आपके ऊपर कहीं ना कहीं दिखेंगे तो ये मैं आपको समझाऊंगा एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन से जो मेरी टीम ने बनाई है ये देखिए Uh, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत सारे uh, इसके uh, ग्राफिक्स के माध्यम से एक नंबर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किंग बैठे हुए हैं जो कॉपी में कुछ लिख रहे हैं तो बेसिकली वन नंबर इज अ लीडिंग एबिलिटी आप कुछ लोगों को देखते हैं जो uh, देखा होगा आपने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में नेता बनने की कोशिश करते हैं लीड करने की कोशिश करते हैं हर टाइम आगे रहने की कोशिश करते हैं जरूरी नहीं है वो पढ़ाई में अच्छे हैं जरूरी नहीं है वो और चीजों में अच्छे हैं बट हर टाइम वो है आगे रहने की कोशिश करते हैं तो वो जो लोग हैं वो हमारी किंगली क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वन नंबर अब ये आपके किंग में भी हो सकता है क्वीन में भी हो सकता है या पूरी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल वन के ऊपर भी हो सकता है पूरी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल पे भी ये आपको दिख सकता है दिस इज कॉल्ड एज अ वन नंबर के कैरेक्टरिस्टिक पूरी लाइफ लग जाती है नंबर्स को समझने में तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ सिनॉप्सिस बट टाइम के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें नंबर्स के बारे में समझ जाएंगे वन नंबर से जो रिलेट कर पा रहा है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में रिलेटेबल हाँ नहीं एक ही बार आएगा रीना जी जी सुदर्शन जी विल टॉक टू दिस टॉपिक सम लेटर ऑन मिसिंग नंबर से जनरली जरूरी uh, नहीं है रेमेडीज आए uh, डिजीज आए प्रेजेंट नंबर से भी डिजीज आ सकती है ओके okay. हाँ जी आपको किंग और क्वीन देखना है ओके थैंक्स सौरभ जी खुशबू जी भारती जी थैंक यू ठीक है ओके okay. किंग और क्वीन दोनों पर दोनों में से दोनों ही आपके ऊपर काम करते हैं राजन जी दोनों ही आपके ऊपर काम करते हैं वन किंग और क्वीन में आ रहा हो तो उसका मोस्ट इंपैक्ट है अगर चार डेट ऑफ बर्थ में कहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कम इंपैक्ट होगा हाँ जी राशि जी किंग नंबर जो है वो ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं कई लोग इसको हाँ जी ठीक है टू नंबर जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया एक मदरली नेचर एक क्वीन खड़ी है तो दो नंबर बेसिकली क्या है जैसे कि आ, होता है ना कि एक बिल्कुल सॉफ्ट पर्सनालिटी थोड़ा सॉफ्ट पर्सनालिटी है आप देखते होंगे किसी किसी नेचर किसी किसी परिवार में बॉय बहुत डोमिनेटिंग है और गर्ल बिल्कुल शांत सी बनी हुई है तो आप देखेंगे जो बॉय के नंबर है किंग और क्वीन बड़े अग्रेसिव वाले होंगे वन नाइन फोर इस तरह के नंबर होंगे और जो गर्ल है गर्ल के जो नंबर होंगे वो टू ये थोड़े सॉफ्ट वाले नंबर होते हैं तो सॉफ्ट वाले होंगे तो जैसा जैसे नंबर होंगे हस्बैंड और वाइफ के वैसे उन दोनों का रिलेशनशिप होगा अगर मान लीजिए एक आ, आ, अभी कल मेरे पास थोड़े दिन पहले केस आया था जिसके अंदर गर्ल के नंबर थे एंड एंड किंग एंड क्वीन एंड बॉय के नंबर थे टू एंड टू तो उस केस में मैंने देखा कि बॉय बहुत ही ज्यादा टेकिंग था मतलब अकोमोडेटिंग था और गर्ल बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी तो बेसिकली आप जो है वो देखेंगे कि जैसे नंबर होंगे वैसे ही आप हस्बैंड और वाइफ के बीच रिलेशनशिप भी होगा ये आप देखेंगे तो क्वीन इज अ सॉफ्ट नंबर आप देखिए आसपास के लोगों को अपने एनालाइज करिए थ्री नंबर में आप देखेंगे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं प्रोफेशनल ड्रेस में बैठ के बेसिकली थ्री नंबर प्रोफेशनल्स का भी लोग हैं अच्छे CAs, अच्छे सी अच्छे अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट डॉक्टर्स आपको राइटर्स बहुत सारे तीन नंबर से दिख जाएंगे और ऐसे लोग ज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं इनको आप अगर पैसे देंगे और ज्ञान देंगे तो शायद ये ज्ञान चूज कर लेंगे ओवर मनी क्योंकि इनको पता है ज्ञान से पैसे कमाए जा सकते हैं तो बड़े बड़े राइटर स्पीकर आपको जो है वो तीन नंबर वाले दिख जाएंगे और प्रोफेशनल्स भी दिख जाएंगे आपको तीन नंबर वाले लोग तो ये है और ये लोग सोशल भी हैं आप देखेंगे कई कई बार जब ये लोग जाते हैं पार्टीज में तो हर किसी से बात करने लग जाएंगे आप इनको ढूंढते रहिए बहुत सोशल भी हैं सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है जब इनके फोन के अंदर व्हाट्सएप का पिंग आता है तो ये तुरंत उसको देख लेते हैं तो बहुत जो है वो सोशली एक्टिव भी है तो इस तरह से तीन नंबर का नेचर है चार नंबर में कान से धुआं निकल रहा है और एक बच्चा घूर के देख रहा है ये राहु का नंबर है तो बेसिकली राहु वाले लोग थोड़े से एडमेंट हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रैगमेटिक हैं, डिसिप्लिन हैं, टू द पॉइंट हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, काम से काम रखने वाले लोग हैं चार वाली अगर मदर्स आप देखोगे तो बिल्कुल जो है वो घर को नीट एंड क्लीन रखती होंगी जहां चीज पड़ी है वहीं पड़ी रहे बच्चों को भी थोड़ा सा टाइट रखती होंगी है ना तो चार नंबर का एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है अगर आप ऐसे लोग भी इनको बोला जाता है अगर आप चार नंबर वाले मेल्स को देखोगे तो जब उनकी आप टाई देखोगे अगर किसी के अंदर चार की एनर्जी काम कर रही है तो बिल्कुल टू द पॉइंट होगी टाई हल्की सी इधर नहीं जा रही होगी हल्की सी उधर नहीं जा रही होगी क्योंकि इनको प्रोफेशनिस्ट भी बोला जाता है एंड ये अपने मन की करने वाले लोग हैं आपकी नहीं सुनेंगे अपने मन जो इनका मन कहेगा वो ये लोग करेंगे अगर चार नंबर वाली आपकी वाइफ है तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो बिल्कुल कट टू कट कर पा रहे हो ठीक <laughs> है मीना जी ने बोला मैं दो हस्बैंड हजबेंड नाइन है ठीक है मीना जी ओके आप रिलेट कर पा रहे हैं ल, लिख दीजिए इस टाइम पांच सौ लोग जुड़ चुके हैं रिलेट कर पा रहे हैं ओके बेसिक और डेस्टिनी दोनों ही नंबर देखने हैं बेसिक इज नथिंग बट किंग नंबर डेस्टनी इज नथिंग बट योर क्वीन नंबर ओके सौरव संजय जी आई नॉट आई गॉट योर पॉइंट ओके ठीक है अगर रविंदर जी ने बोला है मेरा किंग नंबर तीन है और क्वीन नंबर चार है तो दोनों के करेक्टर स्टिक आपके ऊपर आ रहे होंगे रविंदर जी खुशबू जी ने बोला सर रिलेटेबल है स्नेहा ने बोला बहुत ज्यादा रिलेटेबल है सर ओके okay. चलिए नंबर फाइव की बात करेंगे नंबर फाइव में मैंने प्रिंस दिखाया है ऐसे लोग थोड़े से लेजी भी हैं कैलकुलेटिव है कैलकुलेशन के साथ काम करेंगे ठीक है मैथमेटिक्स में भी अच्छे हैं ऐसा भी पाया गया है और ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं और सबके हिसाब से उन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जैसे मैं आपको ये एग्जांपल कई बार देता हूँ कि ऐसे लोग अगर पार्टीज के अंदर जाते हैं तो पार्टीज में जाने के बाद वो आ, एक छोटे बच्चे से एक बीच वाले बच्चे बंदे से और एक बड़ी उम्र के बंदे से तीनों बंद लोगों से उन्ही के लेवल पे आके बात कर पाते हैं ये उनकी विशेषता है ये उनकी खास बात है कि इतने फ्लेक्सिबल है जहां जाएंगे वहां वहीं के हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे और इनको लाइफ में डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस लेने हैं तो डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस भी लेते हैं अगर चार्ट में बहुत बार फाइव है तो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी इंसान एंगेज होता है ये भी देखा गया है अगर डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल फाइव है तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी इंसान एंगेज होता है ये भी देखा गया है आप ये भी जरूर देखिएगा हाँ जी नंबर सिक्स की बात मैं करूंगा नंबर सिक्स की बात करूंगा रिलेटेड टू नंबर फाइव उमेश जी ने बोला ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो सर फाइव में प्रिंसली क्वालिटीज होती है मधु बजाज जी ने बोला ओके <laughs> आएंगे इस पे यादव जी ओके ठीक है, ओके चलिए दीपिका पादुको ओके ठीक है नंबर छह की बात करेंगे बट एक लग्जरी, भी है। लग्जरी इनको लाइफ के अंदर चाहिए लग्जरी का मतलब ये नहीं होता कि लाखों रुपए की घड़ी पहनना लग्जरी का मतलब ये भी होता है कि आपके पास अगर हंड्रेड रुपीज भी है तो आपने उसमें भी अच्छी शर्ट खरीद के पहन ली अच्छे से अपने आप को रख लिया ठीक है और वीनस जब भी आता है लाइफ के अंदर तो आ, बेसिकली आप देखेंगे लोग बहुत अच्छे से रहना पसंद करेंगे अपने आसपास के लोगों को क्लीन करना पसंद करेंगे अच्छे से रहेंगे और आ, बिल्कुल जो है वो फैमिली ओरिएंटेड नंबर भी अपनी फैमिली को ध्यान देने वाला नंबर भी है छह वाली जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे को बहुत क्लीनलीनेस तरह से रखेंगी और दूसरों को जल्दी से देंगी नहीं अगर छह वाली कोई मदर्स हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत क्लीन करके रखेंगी दूसरों को जल्दी से वो अपना बच्चा देना पसंद नहीं करेंगी बहुत अच्छे से क्लीन करके रखेंगी और फैमिली ओरिएंटेड नंबर है और जितना भी बॉलीवुड है जहाँ पे आप देखेंगे आ, बहुत आ, एकदम ग्लैमर का रोल है वहां पे भी छह नंबर बहुत यूज होता है तो किसी को अगर मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ना है तो उसके चार्ट में छ होगा तो उसको मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ने में बहुत हेल्प आउट होगा क्योंकि छह नंबर इस बेसिकली मीडिया और ग्लैमर को भी दर्शाता है आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं और छह नंबर जब वीक होता है चार्ट में या नंबर तो, हाँ जी। जी बोला मैं पांच नंबर हूँ नंबर सात ये मैड साइंटिस्ट का दर्जा भी दिया गया एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई हार्ड कोर एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है तो मैड साइंटिस्ट भी बोला जाता है ऐसे लोग खुरापाती लोग हैं बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं कहीं, अंदर तक डीप जाने वाले लोग हैं इनको अगर आप नंबर वन के बारे में एक चीज बताओगे तो सो चीजें ये खुद नेट से ढूंढ लेंगे ये कहेंगे सर एक चीज से मन नहीं भरा सर सो चीजें तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा मतलब इतना ज्यादा इनके अंदर अः क्या बोलते हैं अंदर से वो होती है कि मैं आ, बाल की खाल निकाल लू अंदर से कुछ ना कुछ ढूंढ लाऊ तो ज्ञानवर्धक लोग हैं डेफिनेटली और हेल्थ में कई बार इनके इश्यूज आती है सात नंबर के ये भी देखा गया है बट नॉलेज वाइज इट्स अ गुड नंबर आप इंटरनेट पे जाना मेरे कहने पे बहुत सारे साइंटिस्ट गाइस आपको सात नंबर वाले दिख जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है तो सात नंबर वाले लोग इस तरह के लोग हैं रिलेट कर पा रहे हैं मितु जी ने बोला सात सात के केस में क्या होगा सर मैम सात सात के केस में रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं आपको बिल्कुल आ सकते हैं ओके ठीक है नंबर आठ की बात करेंगे नंबर आठ जो है वो हथौड़ा लेके खड़ा है एक इंसान बेसिकली इसको जज का दर्जा भी दिया गया है जज का दर्जा किस तरह से दिया गया है कि जज का दर्जा इसको एक हमारे इसमें दिया जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर और बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं ग्रेटी लोग हैं लॉजिकल लोग हैं बाहर से बहुत सख्त दिखने वाले लोग हैं बट अंदर से नरम भी हैं ये लोग और अपनी मेहनत से बहुत कमा कमाके खाने वाले लोग हैं दुनिया के बड़े बड़े सीईओ जो है वो आपको आर्ट से हो रूल होते दिख जाएंगे अपनी लाइफ के लेटर ऑन में ये बहुत जो है वो सक्सेस पाते हैं आप मोदी जी का एग्जाम्पल इसके इसमें ले सकते हैं कि मोदी जी ने जो है अपनी लेटर ऑन लाइफ में सक्सेस पाई और मनमोहन सिंह ने भी लेटर ऑन लाइफ के अंदर सक्सेस पाई वो भी आठ नंबर वाले थे अब उनका नेचर थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि डिफरेंट नंबर से एट आया है उनके चार्ट के अंदर बट आठ नंबर जो है वो बेसिकली मेहनत करके खाने वाला नंबर है और इसको आसानी से कुछ नहीं मिलता शनै शनि बहुत ईजिली इजिली इनको मिलता है हाँ जी

ये इनका दोस्त होना आपको बहुत अच्छा पड़ेगा जो इनके दोस्त हैं उनके ऊपर ये जान छिड़कते हैं और नौ no नंबर कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड नंबर है तो उसमें भी आपको ये फायदा पहुंचा सकता है तो समझिए ये नंबर समर सॉल्ट मार सकता है इट्स अ अ क्वाइट गुड नंबर और नेचर लवर है नेचर लवर है कहीं कुत्ते बिल्लियों इन सब की जो मदद करते हुए आपको लोग दिखते हैं ना वो यही लोग हैं वो यही लोग हैं जो कुत्ते बिल्लियों की सबकी मदद करते हुए दिखेंगे और एग्रेशन भी नंबर है अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक इंसान अपनी वाइफ को स्लैप कर देता है ऑन द इवेंट ऑफ मैरिज वो क्यों कर देता है क्योंकि उनके चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ एग्रेशन वाले नंबर थे एग्रेशन में बंदा ऑफेंड इजिल हो जाता है अपना आपा इजली खो देता है तो इसलिए नो no नंबर जो है वो चार्ट के अंदर होना ठीक है बट मल्टीपल टाइम होना अगेन एक गुस्से को जन्म देते हैं हाँ जी ठीक है चलिए मैं वन का सबका बता ही चुका हूं आपको कई लोग पूछ रहे हैं दोबारा बता दीजिए सर <laughs> श्री, श्री क्या बोल रही है थ्री का मैं बोल चुका हूं प्रोफेशनल भी हैं मेडिटेट भी करना पसंद करते हैं नॉलेजेबल भी हैं सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं थ्री नंबर वाले <laughs> नहीं मिलेगी करण जी नहीं मिलेगी दिस इज लाइव सेशन नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग नाइन जो है वो काफी तरह के करियर में जा सकते हैं टेक्निकली जा सकते हैं वो टेक्निकल करियर अच्छा हो सकता है कोई मेडिकल और हीलिंग लाइन में जा सकते हैं नाइन नंबर वाले लोग मेडिकल और हीलिंग लाइन में भी काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं मेडिकल और हीलिंग लाइन नंबर को काफी सूट करती है आर्मी से रिलेटेड किसी चीज में जा सकते हैं आईई पुलिस से रिलेटेड किसी चीज में जा सकते हैं गवर्नमेंट विभाग से रिलेटेड भी जा सकते हैं लेकिन उसमें और नंबर भी चाहिए तो हीलिंग और डॉक्टरी आर्मी और टेक्निकल काम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड ये इनको सूट करेगा डायरेक्टली हाँ जी चलिए कोई बात नहीं आगे चलेंगे अभी हम लोग थोड़ा लिमिटेड है टाइम पे बहुत सारे लोग किंग और क्वीन के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं बट थोड़ा सा लिमिटेड है तो आगे बढ़ेंगे आज हम समझेंगे तो हेमा मालिनी जी आप मेरे इस पे देख पा रहे हो हेमा हेमा मालिनी मालिनी जी को हेमा मालनी जी, जी जो है उनका मैम चार्ट बनाएंगे 16 अक्टूबर 1948 नाइन अक्टूबर 1948 इनका जो किंग नंबर है वो सात आता है और क्वीन नंबर तीन आता है किंग नंबर सात आता है और क्वीन नंबर तीन आता है अब आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है बेसिकली किंग को प्लेस किया है पहले यहाँ पे किंग को प्लेस किया है यहाँ पे क्वीन को प्लेस किया है यहाँ प्लेस किया है और 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 क्वीन क्वीन को को प्लेस 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 आउट 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 किया 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 है है ओके किंग मैंने मैंने क्यों क्योंकि मेरे यहाँ पे सात यहां आ रहा था और तीन यहां आ रहा था मैंने इसलिए यहाँ आउट किया तो जैसे जैसे मेरे लेफ्ट साइड में लोशो ग्रिड है वैसे वैसे राइट साइड में मैंने नंबर्स को प्लेस आउट करना है ये सीधा सीधा सिद्धांत है सबके लिए अप्लाई होता है मेरे लिए आपके लिए सबके लिए ओके सॉरी

इस हिसाब से मेरा चार्ट बन गया मिसिंग नंबर जो मेरे आते हैं वो आते हैं पांच और यहाँ पे जो मेरा मिसिंग नंबर आता है दो आप देख पा रहे हैं और चार्ट को समझ पा रहे हैं मैंने जो भी किंग है, कुई को प्लेस आउट कर दिया जैसे जैसे मेरा लोशो ग्रिड था समझ पा रहे हैं आप बात को कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया लोशो ग्रिड कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया लोशो ग्रिड तो बता दीजिए हम ले लेंगे बात को डिस्कशन को आगे ले लेंगे समझ आ गया आपको लोशु ग्रिड बनाना ओके 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 अंजू जी एक रंग जी ने बोला है, मुझे समझ नहीं आया ओके बीएनएन डीएन क्या है मुझे नहीं पता बीएनडीएन क्या है ठीक है

फिर 9 को प्लेस आउट करूंगा फोर नंबर यहाँ था चार्ट में एट को मैंने वहीं प्लेस आउट क्यों किया क्योंकि, यहां 8 क्योंकि यहां पे एट यहां था तो इसलिए मैंने एट को यहाँ प्लेस आउट कर दियाताजी लिखना होता है चार्ट के अंदर आई डोंट नो बट लिखना होता है चार्ट के अंदर

जवाहरलाल नेहरू जी का है जवाहरलाल नेहरू जी का देख लीजिए चार पांच छे आता है नौ पांच एक आता है आठ एक चौ आत, आता है जी, ओके चलिए मैं सिर्फ एक टाइम फॉर